हेलो दोस्तों, आजकल मैं हर जगह एक बात सुन रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की आखिर ज़रूरत क्या है। तो आइए आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक रोज़गार का तरीका है, एक माध्यम है, और अगर हम रोज़गार की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में 90 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। ये डाटा मैंने कई अच्छी वेबसाइट से निकाला है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 90 लाख जॉब क्रिएट भी हो रहे हैं क्या एवरी ईयर? क्या भारत में 90 लाख नौकरियां निकलती हैं? शायद नहीं। और यही वजह है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में लगातार बढ़ रहा है। सरकार नौकरी देने की कोशिश तो कर रही है और बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा फिगर है कि इसको कवर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट जॉब देने वाली कंपनी है वो है इंडियन रेलवे। और मुझे पता चला कि इंडियन रेलवे के पास 2017 में जारी आंकड़े के हिसाब से 13 लाख एम्प्लॉयज हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल पर 8th रैंकिंग में आता है। इंफोसिस में करीब 2,43,000 लोग काम कर रहे हैं। इंडियन डाक में 4,33,000 लोग काम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस समस्या से निपटने के लिए आखिर करें क्या? क्या गवर्नमेंट इतनी जॉब क्रिएट कर सकती है? सरकार कितने डिपार्टमेंट खोल सकती है? कितनी फैक्ट्रियां खोलेगी? भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी यही है। ऐसा क्या किया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। सबसे ज्यादा यंग लोग भारत में हैं और यही वजह है कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी भारत में है। और इसी टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करने आई हूँ। और इससे पहले एक बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट सुना होगा, पर क्या आपने सुना है अंडर एम्प्लॉयमेंट? वॉट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? अंडर एम्प्लॉयड पीपल क्या है? दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। दे आर अंडर एम्प्लॉयड। और ये वैकेंसी की रिपोर्ट है। इंडिया में 35 से 40% तक लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब जिनके पास जॉब है वो उससे खुश ही नहीं है। और यही बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में इन सभी प्रॉब्लम्स का एक सलूशन है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई इमिटेशन नहीं है कि हम लोग 14 लाख लोग ले सकते हैं, 20 लाख लोग ले सकते हैं या फिर 30 लाख लोग ले सकते हैं। जहां पर अनलिमिटेड लोगों के लिए जगह है, उनके लिए रोजगार है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी जो जॉब कर रहा है वो दूसरे के लिए जॉब क्रिएट करता है। क्या हमने आज तक ऐसा कभी देखा है? नहीं, हमने ऐसा कहीं नहीं देखा। हमने ऐसा ज़रूर देखा है कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की जॉब काट जरूर आए हैं, लेकिन उसको दे नहीं रहा। दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं कि जो आंसर मेरे दिमाग में आता है वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों की जाए। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो लोग एम्प्लॉयड हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जॉब कर रहा है और मान लीजिए उसके 50,000 सैलरी है और दिल्ली सिटी में रहता है, लेकिन दिल्ली शहर में 50,000 कमाकर बहुत कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता। और उसकी मजबूरी भी ये है कि वो जॉब नहीं छोड़ सकता, और जॉब छोड़ देगा तो वो दिल्ली में नहीं रह सकता। यहाँ पर एक सोल्यूशन आता है, नेटवर्क मार्केटिंग। यदि कोई आदमी 1 से 2 घंटे अपना टाइम इस पर कर ले या फिर संडे के दिन इस काम के लिए टाइम निकाल ले तो जॉब के साथ साथ बहुत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, एक डाटा मेरे पास है कि करीब 10 करोड़ 30 लाख लोग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, एक ऐसा फिगर मैं आपको देने जा रही हूँ जो आपको हैरान कर देगा, और वो फिगर ये है कि पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क मार्केटिंग की जो एवरेज इनकम है वो है पहले साल में 35 लाख। हेलो, जी हाँ, 35 लाख इनकम है पूरे साल भर के नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों की। इस पूरी दुनिया में और इंडिया में तो इसकी भी शुरुआत है। और दोस्तों, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, खासकर उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं। उनके लिए भी जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है और कुछ नया करना चाहते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, ये वो इंडस्ट्री है जो 70 सालों से पूरी दुनिया में आश्चर्यजनक रिकॉर्ड बना रही है। लोग अपने इनकम के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जहां गरीब आदमी को मौका मिलता है। मेरा मानना तो ये है कि अमीर आदमी के पास अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन गरीब आदमी के पास अमीर बनने के बहुत कम रास्ते हैं, जिनमें से नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री में और उसके खरे और पवित्र तरीके से काम करें।
तो दोस्तों हम खुशहाल हो सकते हैं और भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी उसे हल कर सकते हैं। सभी प्रधानमंत्री लाल किले से हर साल बोलते हैं स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को ही प्रमोट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको तैयार करता है कि आप खुद से अपना बिजनेस तैयार करें और आपको ये सिखाया भी जाता है। मेरी नज़र में बेहतरीन इंडस्ट्री है जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना रही है। तो फ्रेंड नेटवर्क मार्केटिंग पर चर्चा जारी रहेगी और ये रोजगार देने वाली इंडस्ट्री ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी।